वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसा हेयर टॉनिक जिसको बनाना बहुत आसान है और जो मात्र 2 रुपए में हेयर टॉनिक बन जाएगा, जो आपकी सभी तरह की परेशानियों को ख़त्म करेगा। चाहे आपके बाल झड़ते हैं या फिर बालों में डैंड्रफ हो गई है या स्प्लिट्स एंड की प्रॉब्लम है या फिर बाल इतने पतले हो गए हैं जो देखने में ख़राब लगते हैं, ये जो हेयर टॉनिक आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ये आपके बालों को काला तो करेगा ही, साथ में घना बनाएगा, आपके बालों को टूटना रोकेगा। अगर दो मुहे बालों की प्रॉब्लम है तो वो भी हटाएगा, अगर डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो वो भी खत्म करेगा। ये आपके बालों से संबंधित जितनी भी हेयर प्रॉब्लम है सबको खत्म करेगा और जिसको बनाना बहुत बहुत आसान है। दोस्तों, आप बाजार से महंगे महंगे हेयर टॉनिक्स खरीदते हैं लेकिन कई बार वो सूट करते हैं, कई बार नहीं करते हैं और जो है उसमें ढेर सारा केमिकल होता है और महंगे भी बहुत आते हैं, 400, 500, 600 रुपए से कम के नहीं होते। और साथ में ये डर भी रहता है कि पता नहीं कहीं हमारे बालों पर ये खराब इफेक्ट ना डालें, तो इसलिए हम उन्हें लेने से भी डरते हैं। लेकिन जो ये हेयर टॉनिक है ये घर का है, नेचुरल है, 100% आयुर्वेदिक है और इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसको लगाने से कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ सोशल मीडिया पर या जहाँ कहीं भी आप हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, जब भी बालों की बात आती है हम अपने बालों को खूबसूरत बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, तरह तरह के शैम्पू यूज़ करते हैं, तेल यूज़ करते हैं, एंटी हेयर फॉल शैम्पू यूज़ करते हैं, लेकिन कई बार तो ऐसा होता है कि हमारे लिए एंटी हेयर फॉल शैम्पू भी एंटी हेयर शैम्पू बन जाता है जिसको करने से आपके बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं। इस शैम्पू की बात कर रही हूँ उसका मैं लिंक ऊपर शेयर कर दूंगी क्योंकि बहुत ही वो शैम्पू मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं किया था और बहुत ही ख़राब था वो शैम्पू, जिसको यूज़ करने के बाद मुझे लग रहा था कि एंटी हेयर फॉल शैम्पू है, हो सकता है मुझे एंटी हेयर ही बना दे। तो खैर, ये वो बात तो गई। और ये जो मैं आज आपको हेयर टॉनिक बताने जा रही हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, जब आप इसको यूज़ करेंगे तो कुछ ही दिन यूज़ करने के बाद आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि आजकल मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि मेरे बालों पर बहुत ही अच्छा इफेक्ट इस पर आ रहा है। तो चलिए, इसमें जो हमारा फर्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है पुदीना। यह हमें लगभग 1 कप पुदीना लेना है। इस पुदीने को हम अच्छे से वॉश कर देंगे। पुदीना कितना सस्ता है, कहीं भी किसी भी समय आपको मार्केट में आराम से मिल जाएगा। और इस पुदीने को हम अच्छे से वॉश करेंगे। पुदीना कैरोटीन और एंटीऑक्सीडेंट का बहुत अच्छा सोर्स है जो बालों को झड़ने से बचाता है और हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है। इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमें डैंड्रफ से बचाती हैं, अगर साथ ही सिर में जुएं हो गई हैं तो उसको ठीक करती हैं, अगर आपके स्कैल्प में इचीनेस है या दाने निकलते हैं, फुंसी निकलती हैं, उसको भी ये ठीक करता है। ये स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है जिससे हमारे हेयर्स ज़्यादा न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। इसको हम लेंगे और इसके बाद जो है हम इसमें डालेंगे लगभग 2 से 2.5 कप पानी और एक भगोने में रखेंगे, पानी डालेंगे और पुदीना डाल देंगे साथ में। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इन्ग्रीडियंट है जो हमें डालना है वो हम डालेंगे मेथी दाना। यहाँ हम लगभग 1 चम्मच मेथी दाना डालेंगे। आप जानते ही हैं मेथी दाने से हमारे बालों को झड़ना बंद हो जाता है, हमारे बालों की ग्रोथ अच्छी होती है, अगर डैंड्रफ की प्रॉब्लम है वो भी ठीक होती है। मेथी दाना एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, अगर आपको स्कैल्प में कहीं दर्द है फुंसी की वजह से या किसी और रीजन से, उसको भी ये ठीक करता है हेयर टॉनिक। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है कलौंजी। कलौंजी बालों के लिए बहुत अच्छी होती है, ये बालों को मजबूत काला घना बनाती है, ये इसको भी लेना है हम 1 चम्मच। कलौंजी और मेथी दाना दोनों ही आपको बड़ी इजीली मार्केट में मिल जाएगा, आपके घर की आसपास की जो शॉप होती हैं, और लगभग इसमें हमें 20 से 25 मिनट लगेंगे और सिम गैस पर हमें इसको पकाना है और इसको प्लेट से ढक देंगे, लेकिन बीच बीच में आप चलाते रहिए। और फिर उसके बाद जो है अभी हमें इसको और पकाना है, अभी पानी का रंग बदला नहीं है। अब हमने इसको चेक किया, देखा कि हाँ ये हो चुका है, रंग बदल गया है पानी का, पानी भी लगभग आधा हो गया है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। गैस को ऑफ करने के बाद अभी इसमें हमें एक इंग्रेडिएंट और ऐड करना है, गैस को ऑफ कर देंगे और जब ये पानी पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तब इसको छान लेंगे। छानने के बाद आप इसको किसी स्प्रे बॉटल में कर लीजिए, जो भी आपके पास घर में स्प्रे बॉटल है उसमें कर लीजिए या टिकटॉक वाली बॉटल में कर लीजिए। अब ये ठंडा हो चुका है, ये मैंने बॉटल में कर लिया है। अब हमें इसमें डालना है
कैस्टर ऑयल 1 चम्मच। अगर बालों को आपको काला करना है, घना बनाना है, झड़ने से रोकना है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, कैस्टर ऑयल बहुत अच्छा होता है इन सब चीज़ों के लिए। आप डालेंगे इसमें 1 चम्मच कैस्टर ऑयल। उसके बाद हमें डालना है इसमें नारियल का तेल या फिर जैतून का तेल, आप ले सकते हैं। यहाँ मैं जैतून का तेल ले रही हूँ। इसे डालेंगे हम 2 चम्मच का तेल भी आपको डीप मॉइस्चराइज करेगा। अगर आपके बाल ड्राई हैं तो ये बहुत अच्छा है। अच्छा, अगर ऑयली स्कैल्प है आपकी तो उसमें आप इसमें एक छोटी टिक्की पूजा वाली जो होती है कपूर की, वो भी डाल सकते हैं। उसको क्रश कर लीजिए अच्छे से और उसके बाद आप इसमें ऐड कर लीजिए और इसको अच्छे से शेक कर लीजिए। अच्छा, जब भी आप इसको लगाएंगे आपको एक बार इस बोतल को हिला लेना है, क्योंकि जो तेल है वो तैर के ऊपर आ जाता है, इसलिए आप इसको अच्छे से हिला के तभी अपने बालों में लगाएं। अच्छा, अब ये जो हमारा हेयर टॉनिक है तैयार हो चुका है। अब हमें इसको अपने स्कैल्प पर अप्लाई करना है। अपने स्कैल्प पर अप्लाई करेंगे, ये देखिए जैसे मैं कर रही हूँ, अपने पूरे ओवरऑल स्कैल्प पर अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। फिर उसके बाद आप इसको 5 मिनट के लिए मसाज कीजिए। 5 मिनट के मसाज के बाद आप इसको 1 घंटे के लिए लगा छोड़ दीजिए। इसको लगाने के बाद आप देखेंगे कि अचानक आपके बाल तेजी से बढ़ेंगे और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। 1 घंटे के लगाने के बाद जो है इसको नॉर्मल जो भी आप शैम्पू करते हैं उससे वॉश कर लीजिए। ये आपको वीक में 3 बार कम से कम करना है, आप इसको 3 बार कीजिए। और फिर आप जब इसको यूज़ करेंगे आप देखेंगे कि आपके जो पतले बाल हैं वो भी मोटे हो जाएंगे और साथ ही जो मैंने जितनी समस्याएं बताई हैं वो तो सब ठीक हो ही जाएंगी। तो आप इस हेयर टॉनिक को यूज़ कीजिए, बहुत ही अच्छा हेयर टॉनिक है और इसमें आपका कोई खर्चा भी नहीं होना है। कितना सस्ता है, 2-4 रुपये में मात्र आपका ये तैयार हो जाएगा। तो आप इस हेयर टॉनिक को अपने बालों पर ट्राई कीजिए और उसके बाद जो है रिजल्ट मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि ये हेयर टॉनिक ने आपके बालों पर क्या इफ़ेक्ट डाले, मुझे बताइएगा जरूर कमेंट करके। और उसके बाद अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो नीचे आप लिख के पूछ सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना ये चैनल, और साथ ही शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ सोशल मीडिया पर। मैं जल्दी ही मिलूंगी ऐसी ही किसी नई वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।